उत्तराखंड के उत्तरकाशी में रविवार को एक निर्माणाधीन टनल धस गई है। टनल में 36 मजदूर फंसे हुए हैं। इन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। फिलहाल टनल के अंदर ऑक्सीजन भेजी जा रही है। हादसा सुबह 4 बजे हुआ है। यह टनल ब्रह्मकमल और यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर सिलियाकरा डंडल गाँव के बीच में बनाई जा रही है। इसकी लंबाई 4.5 किलोमीटर और चौड़ाई 14 मीटर है। चार धाम रोड प्रोजेक्ट के तहत ये ऑल वेदर टनल बनाई जा रही है। इसके बनने के बाद उत्तरकाशी से यमुनोत्री धाम के बीच में ये दूरी 26 किलोमीटर कम हो जाएगी। वहीं उत्तरकाशी के एसपी अर्पण यदुवंशी ने कहा कि टनल का 50 मीटर का हिस्सा धंसा हुआ है। इसमें फंसे अधिकतर मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं। जहां टनल धंसी है वो हिस्सा सुरंग के स्टार्टिंग पॉइंट से करीब 200 मीटर के अंदर है। रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, नेशनल हाईवे के करीब 156 लोग लगे हुए हैं। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। टनल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है इनके हिसाब से ये है कि सब कुछ अंदर सब लोग सही है, क्योंकि अंदर कम से कम 2.5 किलोमीटर का एरिया टूटने के बाद खाली है और ऑक्सीजन पहुंचा दी गई है। बस अभी हम केवल इतनी दुआ कर सकते हैं कि अंदर जितने लोग हैं वो सुरक्षित हों, और शासन प्रशासन की पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है और सभी लोग उनका प्रयास है कि कुछ जो इक्विपमेंट इन्होंने बोले हैं वो मंगवा दिए गए हैं। कुछ लखवाड़ से अच्छा, आपने प्रशासन से बात की होगी। कितने लोग होंगे तक? क्या तकरीबन 40 लोग बता रहे हैं। क्या रेस्क्यू कार्य अंदर शुरू हो गया है? आता है यहाँ जो सिलक्यारा से पालगांव तक की एक टनल बन रही है उत्तरकाशी जनपद में, इसमें एक दुर्घटना की सूचना प्राप्त हुई है। और सूचना प्राप्त होते ही जो प्रशासन की ओर से विभिन्न स्तर के अधिकारी हैं, विभाग हैं, एसटीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम्स हैं, पुलिस का अधिकारी हैं, सभी लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। और अभी जानकारी प्राप्त करने पे मालूम पड़ा है कि जो टनल है उसका एक भाग में कोलैप्स हुआ है और अभी रेस्क्यू वर्क चल रहा है यहाँ पे। और जिस भी प्रकार की इनको अन्य कोई तकनीकी आवश्यकताएं हैं ये भी जुटाई जा रही हैं। अभी कितना समय लग सकता है सर? अभी समय का कहना मुश्किल है। कार्य गतिमान देखिए, अंदर हम लोग अभी बीच में से जो मठ है उसको निकाल रहे हैं ताकि हमें ये अंदाज़ा हो सके कि आगे ये कैविटी कितने दूर तक आई है। हमें लग रहा है कि ज़्यादा दूर नहीं है, होप हम ये कि आज रात तक वहाँ तक पहुँच जाएंगे। बाकी अंदर जो आदमी हमारे फंसे हुए उन लोगों ने भी अंदर से डिवाइडिंग पंप चालू किया है, बाहर पानी गिराया है, जिससे ये संकेत मिलता है कि अंदर जितने भी लोग फंसे हुए हैं वो सब सुरक्षित हैं। कितने लोग हैं? कितने लोग फंसे हैं? उसे 40 लोग हो गए हैं लगभग। पवार जी, एक